जिस भवन में हमारे संस्था अष्टोद्योगम का कार्यालय स्थित है उसमें एक सफाई कर्मचारी महिला है, उसने कहा कि मेरे बेटे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता रहता है और कभी कभी अनियंत्रित होकर के तोड़ फोड़ मचाने लगता है और समझाओ समझता नहीं है, तो आचार्य जी कुछ उपाय बताइए। मैंने उसकी कुंडली देख करके कुछ रुद्राक्ष रत्न सुझाए। उसने कहा पैसे नहीं है, तो मैंने कहा ले जाओ, इतने दिनों से तुम इस भवन को सुंदर और स्वच्छ रख रही हो, पैसे नहीं लेंगे। उसने कहा नहीं गुरुजी, कोई ऐसा उपाय बताए जिसमें पैसे न लगे, मैं निःशुल्क कुछ नहीं लेना चाहती हूँ। तो मैंने एक बड़ा सरल उसको उपाय बताया और ईश्वरीय कृपा से वो काम हो गया, बच्चा शांत रहने लगा। उसका जो बिना अनायास जो है बिना कारण के बात बात में क्रोध आता था वो भी ठीक हो गया। तो ये बड़ा सरल उपाय और बहुत प्रभावी उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आप किसी पारिवारिक सदस्य को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह बिना कारण होना चाहिए, सकारण गुस्से के लिए नहीं है यह। आप जा रहे हैं सड़क पर, कोई किसी को पीट रहा है, किसी बच्चे पर कोई अत्याचार कर रहा है, महिला के साथ कोई अभद्र व्यवहार कर रहा है, अगर आपको क्रोध नहीं आता है तो आपको अपने पर ध्यान देना चाहिए कि कहां कमी रह गई है, यह नपुंसकता क्यों। लेकिन अगर आपको बिना किसी कारण के ऐसे ही क्रोध आता रहता है, उबलते रहते हैं, तो यह उपाय बहुत अच्छा काम करेगा और किसी अन्य के लिए भी, अपने पारिवारिक सदस्य के लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। पूरा विवरण बहुत ध्यान से पढ़िए, सुनिएगा, और क्योंकि अगर कोई चीज आपने ध्यान नहीं दी और उल्टा पुल्टा हो गया तो शायद प्रभाव उतना न हो। तो इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक कांच का बर्तन लेना है, कांच की ट्रे ले सकते हैं, कांच का बाउल ले सकते हैं, कटोरा ले सकते हैं, या अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो कांच के ग्लास जो इसमें पानी पीते हैं वो लगभग हर घर में रहते हैं, और न भी हो तो सस्ते में 5-10 रुपए में कांच का ग्लास बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले कांच का बर्तन लेना है, फिर क्या लेना है, आपको शुद्ध जल लेना है। शुद्ध जल कैसा, मिनरल वाटर या आरओ नहीं, स्वाभाविक जल होना चाहिए जो नदी तालाब में नल में आता रहता है, ऐसा जल लेके तो ज्यादा प्रभावी होगा। एकदम नहीं मिल रहा है तो आरओ वाला या मिनरल वाटर ले सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए जो सामान्य जल होता है जिसमें कोई प्रक्रिया नहीं हुई है, उसकी शुद्ध अनावश्यक उसमें रासायनिक कोई प्रक्रिया नहीं हुई है, वह लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अब तीसरी चीज जो आपको लेना है वह लेना है समुद्री नमक। समुद्री नमक वह नहीं जो खाने में पैकेट में आपको आयोडाइज करके मिलता है, स्वाभाविक नमक जो ढेले वाला है। मैं देखिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए इस तरह से ढेले का नमक, कैमरे के बहुत नजदीक कर रहा हूँ मैं। यह उस नमक से बहुत सस्ता मिलता है, पहले यही नमक प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब जो है कुछ सरकारी नियमों के अंतर्गत आयोडीन डाला जाता है, उसके लिए पूरा उसका परिष्कृतकरण कर दिया जाता है, रिफाइन कर दिया जाता है, तो जो उसकी स्वाभाविक ऊर्जा नमक की समाप्त हो जाती है। और ध्यान रखिए आरओ वाले जल का भी मैंने जिक्र किया, उसमें भी जल की स्वाभाविक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो आपने नमक ले लिया, या जो है बहुत आसानी से यह नमक जो है आपको दुकानों में, पूजा के दुकानों में या मिल जाएगा आसपास जो है, और ऑनलाइन ले लीजिएगा। और अगर आप को परेशानी हो रही है, आप हमारे कार्यालय के आसपास कहीं रहते हैं तो कार्यालय में फोन करके आकर के, क्योंकि एक ही डली चाहिए आपको, एक टुकड़ा चाहिए, इतना बड़ा पर्याप्त है, इतना आप हमारे कार्यालय में ऐसे निःशुल्क ले जा सकते हैं अष्टोदेव से। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि लोगों की जिंदगी को सरल बनाया जाए। तो आपने कांच का कोई बर्तन ले लिया, ग्लास कटोरा या ट्रे या इस तरह कोई भी बर्तन ले लिया, वो साफ सुथरा धुला हुआ है, उसमें उसमें आपने जल जैसा मैंने मैदा डाल दिया, आप उसमें नमक डाल दिया। अब देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या करना है। आपको एक कागज का टुकड़ा लेना है, इतना पर्याप्त है, बड़ा भी ले सकते हैं छोटा भी ले सकते हैं, बस इतना बड़ा होना चाहिए कि वह उस पे उस व्यक्ति का जिसका जिसके क्रोध का शमन करना है, निराकरण करना है, वह उसका नाम लिखा जा सके। इतना बड़ा कागज पर्याप्त है, ये भी पर्याप्त है, इसका आधा भी पर्याप्त है, इसका चौथाई, अब इससे छोटा लेंगे तो शायद नाम नहीं लिखा जा सके, लेकिन बड़ा कागज भी ले सकते हैं, सफेद कागज लिया आपने। फिर जिस व्यक्ति का उपचार करना है उसका नाम लाल स्याही से उस कागज पर लिखना है, आप एकदम स्वच्छ जो भी भाषा आपको आती हो
किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, उसमें लेखन कैसा है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी भावना होनी चाहिए कि इस व्यक्ति का नाम मैंने लिख दिया है, जो भी नाम आपको लगता है उपयुक्त। जो है कभी कभी दो नाम होते हैं जो है पुकारने के अलग जो है, और किताब कागजों में अलग, तो जो नाम सबसे ज्यादा लोकप्रिय है वह लिख दीजिए, नहीं तो दोनों नाम लिख दीजिए। तो इसको आपने लिख दिया, अब क्या करना है, उस कागज को मंगलवार को आपको उस कागज को उस कटोरी में, कांच के बर्तन में जिसमें पानी भरा हुआ है, अब आपने नमक डाल दिया है, नमक भी घुल गया है, उस कागज को डाल करके उसको हनुमान जी का नाम लेकर के उत्तर दिशा में रख देना है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर दिशा में घर की रखना है, जहां भी रख रहे हैं, जिस भवन में रख रहे हैं उसकी उत्तर दिशा में रख देना है। फिर आप उस पर ध्यान मत दीजिए, हनुमान जी का स्मरण करके आप जो है उसको रख दीजिए। धीरे 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 नमक मिला पानी उस कागज को गराने लगेगा, या उसका नाम धीरे धीरे धूमी होने लगेगा। और विश्वास मानिए, जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, उस व्यक्ति के अंदर का अनावश्यक क्रोध समाप्त होने लगेगा। बहुत चमत्कारिक परिणाम देखे हैं। अब इसमें मान लीजिए आप इसको और प्रभावी उपाय को करना चाहते हैं, तो इसमें एक दो काम और कर सकते। पहली बात की जब मंगलवार को रख रहे हैं तो मंगलवार को एक विशेष समय रखिए, मंगल की होरा में। मंगल की होरा क्या होती है, ये लगभग एक घंटे का समय होता है, जिससे अंग्रेजी का आवर शब्द बना है। तो मंगल की होरा कैसे मालूम होगी, उसको आप हमारी वेबसाइट के फ्री एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में जाकर के अपने शहर का नाम और जिस दिनांक को रख रहे हैं डालेंगे, तो मंगल की होरा किस किस कितने कितने बजे हैं, कितने बजे तक, आपको एकदम शुद्ध गणना मिल जाएगी। इसके लिए कोई शुल्क आपको नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। कोई अगर मांगता है तो मना कर दीजिएगा, आप जीरे जा सकते हैं। और हमने आपकी सुविधा के लिए उस जो है होरा की गणना का लिंक अपनी वेबसाइट का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है, जहां जा करके आप उस पर क्लिक करके होरा की गणना। पहला तो ये करना है, अगर उसका प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं तो मंगलवार को तो रखेंगे ही, लेकिन मंगल की होरा में भी रखेंगे। दूसरा जो ध्यान देना है कि अगर आप जो है इस उपाय के साथ साथ उस व्यक्ति जिसका वो शमन करना है क्रोध का, क्रोध को शांत करना है, प्रवृत्ति को खत्म करना है, उसके हाथ से कोई लाल चीज मंगलवार को हनुमान जी के की मूर्ति के आगे किसी मंदिर में दान दिलवा दीजिए, चढ़वा दीजिए, तो इससे भी जो है प्रभावशीलता इसकी बहुत बढ़ जाएगी। यह बहुत अच्छा उपाय है, जिनको जो बच्चे हाइपर हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, अब बड़ों के भी होता है, सबके से होता है। तो फिर से मैं दोहरा देता हूं, कांच का बर्तन लेना है, नमक लेना है ढेले वाला, स्वच्छ शुद्ध जल लेना है, उसको डाल करके घुल जाए, एक का सफेद कागज पर लाल स्याही में लिख करके उस कागज को उसी जल में डाल देना है। यह काम मंगलवार को, और संभव हो तो मंगल की होरा में करना है। और उसी मंगलवार को अगर आप जो है उस व्यक्ति के हाथ से हनुमान जी के यहाँ जो है लाल कोई चीज दान करा देंगे या चढ़वा देंगे, तो और लाभ बढ़ जाएगा। इसमें एक बात प्रश्न आता है, यह रखेगा कौन, अगर संभव हो, अश्रद्धा हो, तो उस व्यक्ति के हाथ से रखवाइए जिसकी यह समस्या है, जिसको बार बार क्रोध आता है। और अगर वह व्यक्ति राजी नहीं है, करना नहीं चाहता है, तो आप जो है कोई भी उसका परिवार का शुभचिंतक जो उसका भला चाहता है वह भी यह काम कर सकता है आप। लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी को क्रोध, जिसको जानते भी नहीं, सुना आपने उसका क्रोध आ रहा है और आपने रख दिया, तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कोई शुभचिंतक या निकट का व्यक्ति ही करना चाहिए। इसमें एक बात जो है, मैं एक दो बातें इधर हमारे पास आ रही हैं, तो हम आप लोग को बता देना चाहते हैं, तो कि बार बार हमारे पास फोन और मैसेज आ रहे हैं कि जो आप उपाय अपने चैनल बता रहे हैं उसके एक दो दिन बाद जो है किसी चैनल पर दिख जाता है, यूट्यूब के या किसी टीवी चैनल पर भी एक बार जो है बताया, किसी ने मुझे लिंक भेजा कि देखिए वही उपाय थोड़ा सा परिवर्तन करके इंस्टाग्राम या फेसबुक पर ही दिखा। तो मैं बड़ा देखिए, यह मैं जो उपाय बताता हूँ ये करीब 40 वर्षों की साधना का, योग, तंत्र, ज्योतिष, वास्तु और इन सब चीजों का फल है। उनसे
बनाए गए उपाय हैं और मैं बांट रहा ही हूँ। तो बस मुझे दुख ये होता है कि आप सीधे सीधे वही उपाय बता दो, उसमें परिवर्तन मत करो, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। आप परिवर्तन कर देते तो उससे जो है नुकसान भी हो सकता है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस उपाय से लाभ नहीं होता है तो आपको इसका मतलब कि समस्या आपकी बहुत ज्यादा गंभीर है, आपको किसी मनोविश्लेषक से सलाह लेनी चाहिए या अपनी पूरी कुंडली हमसे दिखा करके विशिष्ट उपाय आपको जो है जानकारी लेनी चाहिए, तब आपको विशिष्ट सहायता की जरूरत है। इसका मतलब है कि समस्या बड़ी है। एक और निवेदन आपसे, इधर मैं हम लोग देख रहे हैं कि जब हमारी ये उपायों का वीडियो देखते हैं लोग, उनको लाभ होता है, निश्चित लाभ होता है, तो फिर वो क्या करते हैं, हमें फोन करते हैं हमारे ऑफिस में कि अरे वाह कमाल हो गया, या मेल भेजते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं हमारी हेल्पलाइन पर। तो एक निवेदन मेरा फिर से है आपसे कि ये आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर सूचित, क्योंकि क्या होगा इससे कि लोगों को लाभ होगा। जब लोग उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि ये उपाय करने पर हमें भी लाभ होगा, तो ये आप केवल हमें प्रसन्नता ही केवल नहीं होगी बल्कि आप जन कल्याण का काम भी करेंगे। और तीसरी चीज, मैं आपसे अधिकारी हूं निवेदन करने का कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, करने के बाद ही आप वीडियो समाप्त करिए। नमस्कार, मैं हूं आचार्य कल्कि कृष्णन, अष्टोद्योग डॉक्टर।